ठीक है। मतलब हिंदी में इसको कहेंगे तो उसको बोलेंगे चतुर्भुज जिसमें चार साइड्स होते हैं ठीक है तो बिफोर वी गो देर हम लोग थोड़ा uh, let's, let's try doing a recap कि हमने क्या क्या सीखा है अभी तक ठीक है क्या क्या हम जानते हैं अब जैसे प्लेन सरफेस प्लेन सर क्या मतलब होता है कोई भी प्लेन सरफेस मतलब जैसे जो भी आप स्क्रीन देख रहे हैं दिस इज अ प्लेन सरफेस एक पेपर का टुकड़ा आप लेते हैं सरफेस है ना? तो अगर इसको बहुत ही मैथ प्लेन सरफेस या समतल स्थान या समतल सतह हिंदी में बोलेंगे ठीक है हिंदी में बोलते हैं इसको समतल सतह तो हम जो हिंदी इंग्लिश का दोनों इसलिए यूज करते रहते हैं एक तो होता है कि मेरा मैं भी हिंदी में जो पढ़े थे बचपन में उसका प्रैक्टिस हो जाता है और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए रिलेट करना आसान होगा सिंस आई यूज हिंदी इंग्लिश बोथ तो आपको एक तो है रिलेट करना आसान हो जाएगा और दूसरा कि आपको इंग्लिश के टर्म्स भी याद होते जाएंगे ताकि जब बड़े होंगे जब आप जाके हायर स्टडीज के लिए जाएंगे तभी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए इजी हो जाएगा ठीक है तो मतलब सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी उनको भी काम में आएगा और हिंदी मीडियम के बच्चों को भी काम में आएगा ठीक है तो अभी हमने सुना कि प्लेन सरफेस या समतल सतह क्या होता है कि भाई ऐसा कोई भी कोई भी एक पीस ऑफ पेपर एक कागज का टुकड़ा आप लेते हैं तो दैट इज नथिंग बट अ प्लेन सरफेस ठीक है आप जमीन पर बैठे हैं मान लीजिए है, आपके आपके सामने जो जमीन है वो फ्लैट है वो प्लेन सरफेस है या समतल सतह है इसको अगर थोड़ा टेक्निकल टर्म समझेंगे तो ऐसी चीजें जिसमें कि दो डायमेंशन हो मतलब ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस सिर्फ सिर्फ दो डायमेंशन हो अगर इस दिशा में और इस दिशा में मतलब चाहे इतना बड़ा टुकड़ा हो चाहे इतना बड़ा टुकड़ा हो चाहे इतना बड़ा टुकड़ा हो ये सभी प्लेन सरफेस का एग्जाम्पल है मतलब दो डायमेंशन है सिर्फ लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे दिखा रहा हूं कि इतना बड़ा इतना बड़ा दैट डजेंट मीन कि इट हैज टू बी रेक्टेंगल ऑलवेज प्लेन सरफेस ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है समतल सतह आपका ऐसा ऐसा इलिप्टिकल भी हो सकता है अंडे के शेप का भी हो सकता है ठीक है सो so, बट इसमें देखेंगे सिर्फ दो दिशाओं में बात हो रही है देर इज नो अगर आप ऐसे दिखेंगे अगर इसको वर्टिकल मतलब तीसरा ऊंचाई भी देखना चाहिए तो ऊंचाई यहाँ पे नहीं है एक समतल सतह है मतलब फ्लैट जमीन पे आप चाक लेकर के जितना ड्राइंग कर सकते हैं सर आप म्यूट हो गए हैं अभी ठीक है अभी सुन पा रहे हैं यस सर हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आपको बीच में कहीं कुछ दिक्कत होगा या कुछ नहीं समझ में आ रहा हो या कुछ भी तो हाथ खड़ा करके आप बोल सकते हैं ठीक है ओके okay. तो चलिए और भी बच्चे आ रहे हैं ठीक है तो हाँ तो अभी तक तो हमने जो स्टार्ट किया हेलो हेलो सर गुड आफ्टरनून सर सर आप म्यूट पे हो हो गया अभी सुन पा रहे हो आप अतुल yes, आप देखिए बेटा कनाई एडुकेशन के बच्चे जो है आप लोग स्क्रीन को छोड़ दीजिए स्क्रीन पर से हाथ हटा दीजिए आप लोग म्यूट कर रहे हैं मुझे अभी मुझे पता चल गया ठीक है स्क्रीन पर से हाथ हटा दिए ध्यान दीजिए मतलब टच नहीं करते रहना ठीक है आप लोगों में कुछ आवाज नहीं आए तो बताना मुझे ठीक है लेकिन भाई वो सब मत कीजिए खेल करेंगे तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो स्क्रीन पर से हाथ हटा दीजिए आप लोग ठीक है तो हाँ तो वी वो प्लेन सरफेस मतलब कोई सर्फेस जिसमें दो डायमेंशन हो ठीक है एकस और एकस और एक्सिस एक्सिस में इस, इस पे बना हुआ कोई भी शेप चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो सर्कल हो कुछ भी हो सकता है ठीक है तो अभी हम लोग प्लेन सर्फिस को छोड़ देते हैं नाउ लेट्स कम टू अ कर्व क्या होता है इसको हिंदी में बोलते हैं वक्र आ, वक्र ऐसा बोलते हैं ठीक है थीके? और अंग्रेजी में बोलेंगे कर्व अब कर्व क्या होता है तो कर्व को जानने से पहले ऐसा समझते हैं कि ऐसा करते चलिए आपके पास मान लिया जाए पांच छह पॉइंट है ठीक है आपने एक पेंसिल लिया जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए मिलाते गए मिलाते गए आपने मिला दिया आ, uh, हो सकता है कि आपने लास्ट पॉइंट को नहीं भी मिलाया चलिए आपने ये तीन पॉइंट को ही मिलाया यहाँ पे क्या हुआ एक पेंसिल लेकर के यू कनेक्टेड फ्यू पॉइंट्स दैट इज कॉल्ड अ कर्व मतलब कर्व मींस

these are straight lines okay even if i'm not able to draw it, assume this is a straight line isko bolte hain polygon hindi mein bolenge bahubhuj bahubhuj theek hai ab jo bhi maine likha spelling matlab writing mein मत जाइएगा बहुभुज मतलब जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो polygon मतलब जिसमें बहुत सारे sides हों okay हाँ अतुल बोलिए नटखर बच्चों को ज्यादा असाइनमेंट मिल जाए भाई बता दे रहा हूँ मैं अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो अनम्यूट कीजिए बोलिए कि की सर ये समझ में नहीं आया लेकिन स्क्रीन के साथ खेलिए नहीं दिक्कत हो जाएगी फिर ओके तो कमिंग बैक टू तो हमने सीखा भी प्लेन सरफेस क्या होता है कर्व किसको बोलते हैं नाउ वी कि हिंदी में बोलते हैं बहुभुज इंग्लिश में बोलेंगे पॉली गॉन ठीक है तो पॉली मतलब होता है बहुत ये सब ग्रीक टर्म्स है पॉलीगॉन को यहाँ पे हम लोग बोलेंगे बहुत सारे साइड्स गॉन आई थिंक इसको समथिंग ओके बट तो ठीक है तो पॉलीगॉन या बहुभुज हम लोग इस पर ही फोकस करेंगे अभी ठीक है ठीक है तो अब फिर से रिपीट कर रहा हूं पॉलीगॉन या बहुभुज मतलब ऐसा कोई ज्योमेट्रिकल शेप जिसमें कि बहुत सारे साइड्स हो ठीक है पॉली ये भी पॉलीगॉन है ये भी पॉलीगॉन है ठीक है ये भी पॉलीगॉन है तो बेसिकली पॉलीगॉन ऐसे समझेंगे या बहुभुज को ऐसे समझेंगे कि ऐसा ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जो क्लोज्ड हो ऐसा मतलब अगर ऐसा करते हैं ये पॉलीगन नहीं है ठीक है दिस इज एन एंगल ये क्लोज नहीं हो रहा है ठीक है अगर ये जब तक ये क्लोज नहीं होता है तब तक वो पॉलीगन नहीं है तो ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जिसमें कि वेयर यू हैव मोर देन आई नो टू और मोर लाइंस एंड दे आर क्लोज्ड एंड इट इज मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स ठीक है तो अब डिफरेंस क्या है कि अगर अगर मैं ऐसा करता ठीक है ये मान लिया जाए कि फाइव लाइन पॉइंट है इसको इफ़ आई डू पेंसिल इसको मैं कर दिज आर नॉट लाइन सेगमेंट ठीक है मैंने फ्री फ्लो में ड्रॉ किया है तो दिस इज शेप दिस इज आल्सो ज्योमेट्रिकल शेप बट दिस इज नॉट मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स मतलब ये स्ट्रेट लाइंस नहीं है ठीक है तो दिस डेफिनेशन देना चाहेंगे तो बोलेंगे ठीक है और पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड कर्व विच इज मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स तो ये एक डेफिनेशन हो गया मतलब जो है हिंदी में अगर इसको कहा जाए तो पॉलीगॉन या बहुभुज वो ऐसा वक्र है जो कि बंद है जो क्लोज है लेकिन वो रेखा से बना हुआ है, ठीक है ये सब रेखा खंड है लाइन सेगमेंट्स है ठीक है तो कर्व का मतलब हमेशा नहीं कि ऐसा ही होगा सीधी लाइन को भी आप कर्व बोल सकते हैं लेकिन जोबेट्री के पर्पज से हम लोग उसको अलग अलग डिफाइन करते हैं कि भाई अगर स्ट्रेट लाइन है दिस इज अ लाइन सेगमेंट फ्री फ्लो में से ज्वाइन किया गया है तो दिस इज अ कर्व ठीक है ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपने ऐसे बचपन में से हम लोग करते हैं वैसा कर दिया अगर तो दिस इज अ कर्व तो भाई एक मिनट का पॉज लेता हूँ यहाँ पे और बताइए आप लोग कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं रुकूंगा नहीं तो मैं कंटिन्यू तो और आप लोग छत्तीश पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो क्षितिज को नहीं मालूम होगा लेकिन बाकी सभी बच्चों को पता है कि मैं डरावना टीचर नहीं हूं। तो आप लोग को मन में कोई भी डाउट हो नो क्वेश्चन no मन में कोई भी सवाल आ रहा हो बिंदास बिन्दा, पूछना है क्योंकि अगर सवाल का जवाब मिल जाएगा तो आपको सीखने में भी मजा आएगा तो बोलिए भाई एनी एनी क्वेश्चन एनी डाउट सर्कल ऑफ पॉलीगोन वेरी गुड क्वेश्चन आई वुड से यस बट इट इज मेड इंफनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओके इसको आप ये सर्कल है ठीक है इसको अगर आप पॉलीगॉन बोल भी देते हैं तो दीज आर सी फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलीगॉन में इट हैजू बी स्ट्रेट लाइन लाइन सेगमेंट्स इसको आप अगर बहुत मैग्नीफाई करके सोचते हैं अगर तो बहुत छोटे-छोटे छोटे-छोटे इनफिनाइट लाइक लाइन सेगमेंट्स होते हैं ठीक है तो इफ यू से पॉलीगॉन फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू हैव प्री डिफाइंड एंड विजिबल लाइन सेगमेंट्स ठीक है सर्कल में आपको अब तक कभी दिखा है वो लाइन सेगमेंट्स कहीं पे आपको स्ट्रेट लाइन नहीं दिखती राइट इट्स ऑल ऑलवेज अ कर्व

पॉलीगॉन ऐसे सर्कल को कभी हम प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए कभी पॉलीगॉन नहीं बोलते बिकॉज़ पॉली मींस मल्टीपल अह मल्टी सो पॉलीगॉन के कॉन्टेक्स्ट में इट हैज बी मल्टीपल साइड्स और मल्टीपल मेड ऑफ मल्टीपल लाइन सेगमेंट्स ठीक है सो बीट बीट ट्रायंगल बीट रेक्टेंगल बीट स्क्वायर बी डायमंड बी ट्रैपेज़ियम बीट अह पेंटागन हेक्सागन जो भी है दोज आर कॉल्ड पॉलीगॉन्स लेकिन यह हिंदी में कहा जाए तो त्रिभुज चतुर्भुज आयत वर्ग पंचभुज जो भी बोलते हैं, ठीक है? लेकिन सर्कल को वी स्टे अवे फ्रॉम नॉट आई आंसर क्वेश्चन थैंक यू नो प्रॉब्लम चलिए आगे बढ़ते हैं फिर ओके okay. तो हमने अभी सीखा कि भाई पॉलीगॉन्स क्या होता है कर्व uh, uh, क्या होता है लाइंस क्या होता है प्लेन सरफेस क्या होता है ये सब सीखा अभी है ना नाउ लेट्स गेट लिटिल मोर सीरियस अबाउट व्हाट ट्राइंग टू लर्न टुडे ठीक है और यहाँ पे एक बार कन्हाई एडुकेशन बच्चों से तो पूछ लेते हैं अतुल आप लोग को कुछ सवाल कुछ शंका डाउट नहीं सर नहीं है बढ़िया नहीं देखिए मतलब कभी कभी हम आप लोगों के साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होंगे टीचर लोगों को होना पड़ता है इसलिए नहीं कि हम गुस्सा हैं इसलिए कि हम चाहते हैं कि हर कोई को पढ़ाई करते हुए डिस्टर्बेंस नहीं हो ठीक है आपको भी नहीं अगर मानिए कोई और कुछ करेगा गड़बड़ और उनको डिस्टर्बेंस होगा तो हम उनको भी रोकेंगे इसलिए कहीं पर कोई भेदभाव का बात नहीं है तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा और कहीं पर कुछ डाउट हो तो हाथ खड़ा करके या अनम्यूट करके बोलिएगा कि सर ये वाला समझ नहीं आया ठीक है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं सर ओके तो अभी एक और खासियत जानते हैं ठीक है एक और चीज जानते हैं जब हम पॉलिगोन की बात कर रहे हैं या बहुभुज की बात कर रहे हैं इसमें भी दो फ्लेवर होता है ठीक है वन इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन ठीक है और दूसरा होता है इरेगुलर पॉलीगॉन ठीक है इसको इरेग्युलर जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा और स्क्रीन पे हो सकता है कि हम जब अपना फिंगर यूज करके हम टच स्क्रीन यूज करते हैं तो तभी थोड़ा सा यहाँ वहां हो सकता है देखने में तो सुनिएगा तो आपको क्लियर रहेगा ठीक है तो वन इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन दूसरा इरेगुलर पॉलीगॉन तो अभी थोड़ा सा इसको टच करते हैं इस, इस टॉपिक का डिटेल में अब पॉलीगॉन मतलब बहुभुज मतलब ऐसा मतलब ऐसा ठीक है मतलब इस तरह की चीजें रिपीट कर, एक बार रिकैप कर लेते हैं दिस इज ट्रायंगल या त्रिभुज दिस रेक्टेंगल, आ, दिस इज इज uh, या चतुर्भुज ठीक है दिस इज पेंटागन या पंचभुज चार भुजाओं वालों को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं ठीक है तीन भुजाओं को ट्रायंगल बोलते हैं चार को कॉर्डिलेट्रल या हिंदी में चतुर्भुज पांच भुजाएं हैं या पांच साइड्स हैं उसको बोलेंगे पंचभुज या पेंटागॉन छह तो या सात साइड्स हैं अगर ठीक है मैम शेप पे जाइए मतलब टोटल सेवन साइड्स है ठीक है मैंने ठीक से नहीं बनाया होगा तो उसको सप्तभुज या आ, से, हाँ तो सेप्टागोन है सा, साथ है तो ठीक है और आठ भुजाएं होंगी तो ऑक्टागोन तो अभी उतना आगे नहीं जाते यहाँ पे रुकते हैं तो लेट्स लेट्स लेट लेट लुक एट दिस वन मान लिया जाए कि त्रिभुज को देखते हैं अब मान लिया अगर ये साइड ये साइड ये साइड बराबर है तो क्या बोलते हैं इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल या हिंदी में समबाहु त्रिभुज सम ठीक है बाहु मतलब वो बाहुबली आप लोग देख रहे ना पिक्चर तो बाहुबली का में, बाहु मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं भुजा तो, है तो बाहुबली मतलब उसकी भुजाओं में बहुत दम है ठीक है तो यहाँ पे बाहु जो होता है दैट मींस भुजा या साइड्स हिंदी में ठीक है तो समबाहु त्रिभुज या इक्वी तो ये तीनों साइड्स बराबर है पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा कि तो अगर साइड सेम हो तो उसका बीच का एंगल भी सेम होता है ट्रायंगल का तीनों एंगल्स जोड़ के कितना होता है 180 डिग्री। तीनों एंगल सेम है तो ये 60, 60, 60 मिला करके 180 हो जाएगा 180 है ना? उसी तरह से अगर आपने बना दिया इसको मान लिया जाए स्क्वायर ठीक है स्क्वायर मतलब वर्ग हिंदी में ये ये साइड ये साइड चारों सेम साइड तो उसका एंगल्स भी 90 90 90 90 हो गया तो एक जनरल थ्योरी है ठीक है जो मैथ में आप हमेशा याद रखेंगे इफ द साइड्स आर सेम ओके इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स यानी भुजाओं की लंबाई इफ दे आर सेम देन द एंगल्स यानी कि देखिये इक्विलेटरल ट्रेंगल में अगर तीनों साइड बराबर हैं तीनों साइड बराबर होते हैं एक्चुअली इक्विलेटरल ट्रैंगल में संभाव त्रिभुज में तो एंगल्स भी बराबर होता है 60, 60, ये भी 60, ये भी 60. अगर रेक्टेंगल है या स्क्वायर है ठीक है basically square ek angle mein chal side برابر नहीं होगा तो if all these sides are the same ठीक है तो ये और वा, ये वाले एंगल्स भी सेम होते हैं ये 90 डिग्री हो जाते हैं ठीक है उसी तरह से अगर आप एक और साइड ऐड कर देंगे इफ यू टॉक अबाउट दिस तो ये मैंने शायद सही शेप नहीं बनाया है बट uh, रिमेम्बर दिस कि अगर पांच साइड हैं अगर पांचों साइड सेम होंगे अगर ठीक है तो उसके बीच के एंगल्स भी पांचों बराबर होंगे ठीक है चाहे आपका एंगल हो चाहे रेक्टेंगुलर शेप हो मतलब चाहे वो क्वारल हो चाहे पेंटागन हो चाहे हेक्सागन हो चाहे जो भी हो अगर इफ द साइड्स साइज द देंथ ऑफ द साम उसके बीच का एंगल्स भी हमेशा बराबर होगा ठीक है ये आप हमेशा याद रख सकते हैं हिंदी में कहा जाए अगर तो जब भी कोई बहुभुज हो उसकी भुजाएं अगर बराबर हो भुजाओं की लंबाई बराबर हो तो उनके अंदर का कोण भी बराबर होता है ठीक है ये आप आत्म के याद कर सकते हैं ठीक है ओके अब एक और चीज आम... ओके okay. आप लोग सिलेबस के हिसाब से एक और चीज देख लेते हैं क्या है ये हाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि नहीं आप लोग एक टास्क देता कि आप लोग को अगर कभी हाथ में पेंसिल और ये स्केल हाथ आ जाए ना तो कभी कोई पॉलीगॉन ड्रॉ कीजिएगा पॉलीगॉन मतलब बहुभुज साइज जो है उनका लेंथ बराबर हो मतलब ये अगर तीन सेंटीमीटर का है तो ये भी तीन सेंटीमीटर होगा ये भी तीन सेंटीमीटर ऐसा ड्रॉ कीजिएगा तीन सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर ये पेंटागन हो गया जो भी ड्रॉ करते हैं साइज सेम कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि ये एंगल सेम नहीं हो कभी ऐसा करके देखिए और देखिए होता है क्या नहीं ठीक है कोई ऐसा बहुभुज ड्रॉ कर पाए जिसका साइड सेम और एंगल सेम नहीं है तो बताइएगा यहाँ पे जो भी सीखते हैं वी लर्न इट फॉर गेनिंग द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नॉलेज और उसके साथ में इतना छेड़छाड़ करेंगे इतना उसको सीखेंगे उसके उसके साथ नहीं खोज करेंगे सो so दैट कॉन्सेप्ट बिकम्स योर आप वो कॉन्सेप्ट आप भूले नहीं फिर ठीक है उस हिसाब से सीखना है तो जो भी सिखाऊंगा क्लास में आप बाद में वीडियो देखते भी हैं तो आप जाकर के ट्राई टू यू नो डू समर्न एंड सी दैट इज दट बिकम्स योर कॉन्सेप्ट फॉर एवर ओके चलिए तो ये हो गया हमने सीखा हमने पॉलीगॉन्स uh, के बारे में ठीक है अब आते हैं असली मुद्दे पे, दैट इज आवर मेन टॉपिक क्वाड्री ठीक है हिंदी में कहा जाए तो चतुर्भुज लगता है थोड़ा तो हिंदी का प्रैक्टिस छूट गया है देखना पड़ेगा फिर तो चतुर्भुज मतलब ऐसा जोमेट्रिकल शेप विच हैज फोर साइड्स, ठीक है थोड़ा सा सफाई करता फोर साइड्स, ये भी एक शेप है ये भी एक शेप है ये भी एक शेप है एवरीथिंग इज क्लोज ओके मतलब मैं uh, स्केच करते वक्त अगर नहीं कर रहा हूं करेक्ट तो अजूम साइडेड जोमेट्रिकल शेप ठीक है ये भी एक शेप है ठीक है लाइक वाइज अब देखिए ध्यान से इसमें क्या क्वालिटी है दिस साइड दिस साइड दिस साइड दिस साइड आर ऑफ सेम लेंथ ठीक है इस शेप का क्या क्वालिटी है इसके चारों साइड भी बराबर है ठीक है इसका क्या क्वालिटी है ये ये साइड सेम है ये साइड अलग है इसका क्या क्वालिटी है कि ये साइड ये साइड सेम है ये साइड ये साइड अच्छा तीन लाइन में आता हूं उसको ये सेम है ठीक है एक और वेरिएंट भी है इसका क्या खासियत इस है दिस वन इज एंड दिस वन आर सेम दिस वन दिस वन इज सेम लेकिन इसमें असमान्तर क्या है दीज आर 90 डिग्रीज दीज आर नॉट 90 डिग्रीज ठीक है अब थोड़ा इसको अंदर घुसते हैं इसमें कि देखिए ये जो शेप है इसको बोल रहे हैं हम लोग स्क्वायर हिंदी में बोलेंगे वर्ग ठीक है तो वर्ग का क्या मतलब होता है या स्क्वायर क्या मतलब कि चारों साइड्स बराबर होते हैं उनका ये एंगल 90 डिग्री होता है ठीक है तो इसको बोलेंगे स्क्वायर ये क्या है शेप दिस इज कॉल्ड रॉम्बस मतलब इसके भी चारों साइज बराबर है लेकिन ये एंगल जो है 90 डिग्री नहीं है ठीक है तीसरा शेप है रामबस इसको बोलते हैं इसको हिंदी में क्या बोलेंगे इसको बोलते हैं है। रामबस को बोलते हैं सम चतुर्भुज कॉल्ड जो हम लोग पतंग उड़ाते हैं ना उसमें देखें खासियत क्या होती है कि ये साइड और ये साइड बराबर होता है ये साइड और ये साइड बराबर होता है ठीक है so kite, हिंदी में पतंग ंगल में आयत तो इसमें ये साइड जो अपोजिट साइड है उनका लेंथ बराबर होता है और ये एंगल नाइन्टी डिग्री होता है तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफ्रेंस क्या है सिमिलैरिटी क्या है कि चारों एंगल नाइन्टी डिग्री होंगे पहला सिमिलैरिटी यह है दूसरा सिमिलैरिटी ये की अपोजिट साइज का लेंथ बराबर होता है ठीक है इसका भी अपोजिट साइज का ये बराबर है ये और ये बराबर है इसका भी साइड बराबर है लेकिन दूसरा क्या डिफरेंस क्या है सिर्फ कि रेक्टेंगल है।, मतलब है ये वाला और ये वाला इसकी लेंथ भी होती है, है तो ये हो गया और का आ, every, uh, अभी मैं सिर्फ एक पे बता रहा हूँ कि अगर आपको सोचना हो कि भाई क्वारिलेटर्स कितने तरह के होते हैं तो आपको ठीक है, है। स्क्वायर यानी कि वर्ग आयत यानी कि रेक्टेंगल रॉम्बस uh, यानी कि समबहुभुज, चौथा शेप होता है काइट अच्छा जो पतंग उड़ाते हैं वो भी एक एक रेक्टेंगुलर uh, है और पांचवा होता है पैरलोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज ये जो है इसमें देखें ये ये और ये एक दूसरे के पैरल है ये और ये इससे पैरल है बट ये एंगल 90 डिग्री नहीं है मतलब पैरलोग्राम इज अ ब्रॉडर कैटेगरी हर एक

बेसिकली पैरोग्राम इज अपरसे ठीक है मतलब उसके अंदर में जो नाइन्टी डिग्री वाले पैरोग्राम वाले पैरलोग्राम है मतलब जो रेक्टेंगल्स है वो भी है और जो नॉन नाइन्टी डिग्री वाले जो पैरलोग्राम्स है वो भी है तो सुपरसेट रेक्टेंगल इज अबसेट विद इन सबसेट मतलब आ, हिंदी में क्या बोलते हैं सबसेट को क्या बोलेंगे उसका एक सदस्य बोलेंगे उसका एक मेम्बर बोलेंगे उसका छोटा ग्रुप बोल सकते हैं ठीक है सेट ग्रुप बोलते ना उप समूह हाँ समूह सेट मतलब uh, समूह होता है तो ये सुपर सेट मतलब ये बड़ा समूह है ये छोटा समूह है मतलब ये इसका स्मॉल मेंबर ठीक है उसी तरह अगर स्क्वायर को भी आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज टाइप ऑफ ऑल्सोरोग्राम ओनली डिफरेंस बी इट हैज ऑल द साइड सेम और डिफरेंस मतलब इट्स इट्स अ सबसेट अगेन उसके अंदर का एक हिस्सा है तो मतलब पैरलोग्राम इज ब्रॉडर कैटेगरी उसमें आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है स्क्वायर भी हो सकता है और उसके अलावा जो बाकी वेरायटीज होती है वो भी हो सकती है ठीक है इवन इवन आपके ये जो है दैट इज टाइप ऑफ तो ठीक है चलिए अब एक एक करके सबके अंदर जाते हैं और उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं देन विल डू सम प्रैक्टिस आल्सो ठीक है तो सबसे पहले आते हैं सबसे पहले सबसे टेढ़ा वाला एग्जांपल लेते हैं क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल तो आप लोग जानते हैं अभी आते हैं ऐसा कोई आ, ऐसा ठीक है मतलब एक पैर जो है है दूसरा पैर नहीं ठीक है मतलब अब पैरेलल का डेफिनेशन आप लोग सब जानते होंगे लेट मी जस्ट रिकॉल अगेन हेल्प यू गाइस रिकॉल अगेन इफ वी से एनी टू लाइंस आर पैरेलल या समानांतर हैं दूसरे के मतलब

समांतर रेखाएं ऐसी जोड़िया होती है जो कि इनको आप उनके किसी भी डायरेक्शन में आप एक्सटेंड करो तो, तो अभी आए थे अपने मुद्दे पर trapezium तो ऐसा ऐसा quadrilateral है मतलब ऐसा चतुर्भुज है जिसमें दो lines तो parallel होती हैं और बाकी दो lines नहीं ठीक है तो यहाँ पे देखिए ये लाइन ये लाइन ये है है इन इन दो लाइन को आप कितना भी एक्सटेंड करेंगे दे विल नॉट मीट अदर ठीक लेकिन इन दोनों को अगर आप एक्सटेंड करेंगे ऐसे देखिए ये लग रहा है कि दूरी कम होती जा रही है पेपर बड़ा होता तो कहीं ना कहीं पे वो क्रॉस कर जाती ठीक है इस साइड में भले ही नहीं मिले क्योंकि इधर दूरी बढ़ती जा रही है एक्सटेंड होता जा रहा है ठीक है तो ये है ट्रेपेजियम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं समलम चतुर्भुज ठीक है समलम चतुर्भुज मतलब कहीं ना कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ठीक है और ऐसे समझा जाए अगर तो इट हैज टू साइड्स विच आर ओनली टू साइड्स विच आर पैरेलल एंड अदर टू साइड्स आर नॉट ठीक है ती हो गया ट्रेपेजियम। कोई सवाल दिव्यांश नो सर ओके गुड ऑलराइट तो चलिए दिव्यांश लगता है कि डिस्कनेक्ट हो गया जॉइन बैक अगेन तो ये हो गया ट्रेपेजियम। अभी आते हैं हम लोग दूसरे क्वाड्रिलेटरल पे दट इज दट इज लेट्स ए काइट ओके चलिए हाँ तो नेक्स्ट शेप दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज काइट काइट का प्रॉपर्टीज को अगर समझेंगे तो क्या है मैंने कहा था ये साइड ये साइड बराबर है ये साइड ये साइड बराबर है ओके okay. तो एक तो ये हो गया तो ये साइज बराबर होता है लेकिन जरूरी नहीं कि ये एंगल्स 90 डिग्री हो या कुछ भी ठीक है और आप ये यहां पे ध्यान से देखोगे तो ये लाइन और ये लाइन पैरल भी नहीं होगी ठीक है क्योंकि शेप अलग है तो ये एंगल्स अलग होंगे तो काइट का अगर प्रॉपर्टी आपको जानना हो या पतंग की प्रॉपर्टी जाननी हो तो एक ही चीज है कि भाई कोई दो एडजस्टेंट साइट जो है ये दोनों और ये दोनों बराबर होंगे दो एडजस्टेंट साइड तो ये और ये भी एडजस्टन साइड है ये वाला और इसको वन बोलेंगे अगर इसको टू बोलेंगे इसको थ्री बोलेंगे इसको फोर बोलेंगे तो वन और टू भी एडजस्टेंट साइड है ये दोनों बराबर नहीं होंगे ठीक है वन और फोर टू और थ्री ये दोनों ये वाली पैर जो है बराबर होंगे ठीक है सो दिस इज द ओनली प्रॉपर्टी दैट वी नीड टू रिमेंबर ऑल राइट right. तो ये हो गया काइट या पतंग पतंग की प्रॉपर्टी तो आप लोग अगर पतंग वतंग उड़ाए हो कभी या उड़ाने की इच्छा रखते हो और बनाना चाहते हो घर में तो बस यही चीज को ध्यान रखना है मेरे को पतंग उड़ाने के लिए बहुत बार बचपन में बहुत बार क्लास हुई थी मेरी बच्चे छत पर से गिर जाते थे वो नहीं था पतंग का लेकर के ध्यान नहीं रहा अगर साइड से नहीं था अगर आपका बैरिकेड नहीं किया हुआ है आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो तो गिरने का डर होता था मेरी बहुत बार क्लास हुई थी बचपन में एक बार पतंग चोरी करके उड़ा रहा था आ, लेकिन मैंने बनाया नहीं था आप लोग अगर बनाना चाहते हो तो दिस इज़ द ओनली थिंग दैट यू ठीक है मैंने वो किसी और का पतंग कट गया उसको लूट लिया था उसको उसको उड़ा रहा था ओके तो दिस इज ओनली प्रॉपर्टी चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा दूसरा हाँ तो हमने पैगलो पे थोड़ा सा आप लोग बता था कि पैरलोग्राम इज सुपर सेट ठीक है तो पैरलोग्राम पे थोड़ा फोकस करता है अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल इन लेंथ तो ये ये साइड और ये साइड इक्वल इन लेंथ ये साइड ये साइड इक्वल इन लेंथ एंड अपोजिट साइड्स विल बी पैरेलल टू इच अदर तो मतलब इसको अगर वन इसको अगर टू इसको अगर थ्री इसको अगर फोर बोलेंगे तो वन बी पैरल टू सॉरी विल विल बी बी टू टू लाइंस का नाम दे रहा हूँ उसको ठीक है ना आप उसको राम श्याम मोहन गणेश भी बोल सकते हैं तो ये अपोजिट साइड जो है पैरल होगी और ये और जो है अपोजिट साइज का लेंथ भी सेम होगा तो ये आपका डेफिनेशन है पैलोग्राम का ठीक है तो ओके okay. अब एक और चीज देखिएगा इसमें जो रेक्टेंगल होता है क्वाड्रिलेटरल uh, होता है चार साइड्स होते हैं उनका टोटल एंगल मिला के होता है थ्री सिक्सटी डिग्री ठीक है क्टेंगल का डिग्री होता है आप जानते होंगे तो अभी देखेंगे अगर अगर रेक्टेंगल था तो 90 90 90 90 थ्री सिक्सटी हो गया था 90 90 90 नाइन हो गया थ्री सिक्सटी पैरलोग्राम है सॉरी ठीक है पैरलोग्राम है अगर तो 90 नाइन्टी नहीं है ठीक है तो इसमें क्या होता है एक साइड का देखिए ये जो है आप लोग हम लोग जब पिछले, पिछले क्लासेस में पैरेलल लाइंस के हम सीख रहे थे राइट क्या सीखे थे हमने कि अगर दो पैरेलल लाइंस हो उसको अगर कोई थर्ड लाइन जो है अगर उसको इंटरसेक्ट करती है तो एक साइड के बने हुए सारे एंगल्स का सम होता है वन एटी डिग्री मतलब इंटरनल एंगल जो होते हैं ठीक है ये वाला और ये वाला मिला के होता है 180 डिग्री ठीक है अभी पैरलोग्राम को ऐसे सोच लीजिए इसका भी इंटरनल एंगल इधर वाला ये मिला के वन डिग्री होगा ये और ये मिला के भी वन होगा ठीक है तभी क्योंकि देखिए ये और ये मिला के वन हो रहा है ये और ये मिला के वन हो रहा है ठीक है इसलिए हम देखे थे ना कि डाइंगल अपोजिट एंगल जो सेम होते हैं तो ये वाला एंगल ये एंगल वैल्यू सेम होगा

काट कार्त, काटती है तो उसके एक साइड के बने हुए इंटरनल एंगल्स मिला के वन एट्टी डिग्री होते हैं ठीक है थीके? तो अब देखिए रेक्टेंगल सॉरी पैलोग्राम पे आ जाते हैं ठीक है थीके? तो हमने जो भी देखा उधर कि ये 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 एक पैदल लाइन है उसको ये लाइन इंटरसेप्ट कर रही है इसको देखेंगे ये वाले को देखेंगे तो ये दोनों पैदलर लाइन है इसको तीसरी लाइन इंटरसेप्ट कर रही है तो ये एंगल ये एंगल मिला के हो जाएगा वन एट्टी डिग्री ठीक है ये एंगल ये एंगल मिला के हो जाएगा वन एट्टी डिग्री थोड़ा अपना इमेजिनेशन को और बढ़ाइए ठीक है, है अब देखिए ये ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है तो ये दोनों इंटरनल एंगल हो गया मतलब ये और ये मिला के भी वन एट्टी होगा है ना तो अगर आप देखिए वन टू थ्री फोर ऐसे एंगल लिखते हैं हम लोग ठीक है तो छोटा कर देता हूँ उसको अभी थोड़ा छोटा पैदल बनाता हूँ ताकि मेरे पास स्क्रीन में खा जाएगा हो ठीक है इसको ये एंगल है ये एंगल है वन टू थ्री ये एंगल है फोर ठीक है अब देखिए एंगल वन प्लस एंगल टू इज वन एटी डिग्री अभी इसको इधर से विजुलाइज कीजिए ये पैरेलल लाइन है ये ये इंटरसेक्टिंग लाइन है ठीक है तो टू प्लस एंगल थ्री इज आल्सो वन एटी डिग्री ठीक है अब इस एंगल थ्री और को देखिए थ्री और फोर में ये और ये पैरेलल लाइन है ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज आल्सो वन एटी डिग्री ठीक है अब वन और फोर को देखिए तो मतलब ये और ये पैदल लाइन है ये इंटरसेक्टिंग लाइन है ये वाला है ना तो एंगल वन प्लस एंगल फोर टू वन डिग्री आप लोगों को यहाँ पे पजल मिल गया देखिए कॉमन क्या है एंगल टू मतलब एंगल वन विल इक्वल टू एंगल थ्री ठीक है एंगल टू प्लस एंगल थ्री एंगल प्लस टू प्लस एंगल थ्री टू वन एट्टी डिग्री एंगल थ्री एंड फोर इक्वल टू वन एटी डिग्री मतलब इसे क्या हो गया एंगल थ्री कॉमन है एंगल इक्वल टू एंगल लास्ट के दो इक्वेशन को देखिए एंगल थ्री फोर डिग्री एंगल डिग्री मतलब फोर <coughs> कॉमन है मतलब एंगल थ्री इक्वल टू एंगल वन वही सेम फॉर्मूला पे आ गया है. तो देखिए इससे क्या निकला इस पूरा एक्सरसाइज से कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर इसको एक इतना जो मशक्कत किए उसको एक लाइन में बोल सकता था मैं कि जो ऑपोजिट एंगल्स हैं पेलोग्राम में दे आर द सेम लेकिन ये मशक्कत करने से आपको पता चल गया कि कैसे निकालना है तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है दिस वंट यू 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 वी नोइंग एबल टू मेमोराइज हियर आफ्टर कि कोई भी पैरलोग्राम जो है कोई भी पैरलोग्राम है उसके अपोजिट एंगल्स आर सेम आर सेम तो पैरलोग्राम का हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़े जाना था कि भाई अपोजिट साइड साइज जो होते हैं सेम लेंथ के होते हैं ये और ये सेम होगा और दे आर ईच अदर थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो गई कि ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल्स आल्सो आर ठीक है? अब मैंने क्या कहा था कि पैरलोग्राम जो है यानी कि समांतर चतुर्भुज एक जो है सेट है, मतलब रेक्टेंगल, स्क्वायर सब कुछ के अंदर आते हैं मतलब पैरलोग्राम इज इज अ दादाजी ठीक है रेक्टेंगल स्क्वायर मतलब आ, आयत वर्ग जो भी होते हैं उसके बच्चे हैं उसके अंदर में आते हैं ठीक है उन्हीं क्या वेरिएंट है तो अगर मान लिया जाए अगर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया इज इट तो अ पैरलोग्राम आल्सो हाउ वी कैन चेक अपोजिट साइड्स बराबर है होते हैं बिल्कुल होते हैं रेक्टेंगल में ये साइड बराबर है बिल्कुल है होते हैं रेक्टेंगल में आयत में ये साइड ये एंगल और ये एंगल ये एंगल और ये एंगल मतलब ये दोनों इसके बराबर है बिल्कुल है क्योंकि सब तो नाइन्टी डिग्री है तो 90 तो हमेशा 90 के बराबर ही है तो मतलब जो भी रेक्टेंगल है वो पैरलोग्राम है ही है होना ही होना है ठीक है लेकिन जो पैरलोग्राम है वो रेक्टेंगल होगा जरूरी नहीं है क्योंकि बच्चा कभी राज से बड़ा नहीं हो सकता ठीक है, है क्लियर उसी तरह से अगर आपको अगर स्क्वायर भी देखेंगे अगर स्क्वायर में क्या चारों साइड बराबर होता है, होता है। ये अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और ये नाइन्टी डिग्री होता है अब पैरेललोग्राम के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई अपोजिट साइड बराबर होनी चाहिए है? बिल्कुल है पैरेलल होने चाहिए अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं बिल्कुल है ये डायगोनली अपोजिट एंगल्स सेम होने चाहिए हैं बिल्कुल है सब 90 ही है तो

ये जो आ, ये मान लिया पैरलोग्राम है ठीक है शेप अगर थोड़ा गड़बड़ दिख रहा हो तो एक्सक्यूज मी फॉर दैट ये एंगल और ये एंगल मतलब वन और टू <coughs> ये थ्री और ये फोर वन और टू को एडजस्टेड एंगल भी बोलते हैं मतलब नदी का कोण <coughs> पड़ोसी एडजस्टेंट मतलब सब तो एक से सटे हुए तो एडजस्टेड एंगल्स एडिशन ऑफ दैट इज वन डिग्री ये पैलोग्राम और प्रॉपर्टी अगर कोई बोलेगा कि पैरलोग्राम की प्रॉपर्टी लिखो तो आप ये भी लिख सकते हैं एक्चुअली पैरलोग्राम की प्रॉपर्टी से नहीं आया है ये आया है एक्चुअली पैरेलल लाइंस से जब ने सीखा था पैरेलल लाइंस के बारे में कि जब कोई पैरेलल लाइन को एक थर्ड नो इंटरसेक्ट करती है तो एक साइड के ये एंगल जो है ये वन एटी डिग्री हो जाते हैं ठीक है वहां से आया है डिराइव्ड फार्मूला है लेकिन अगर आपको पैरलोग्राम की प्रॉपर्टी लिखनी है तो ये भी लिख सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स आर सेम एंड इक्वल इक्वल इन लेंथ एंड पैरेलल टू ईच अदर और दूसरा हो कि ऑपोजिट डायगोनली ऑपोजिट एंगल्स आर सेम एंड जो एडजस्टेंट एंगल होते हैं वो देयर सम ऑफ द एडजस्टेंट एंगल्स आर 180 डिग्री मतलब ये एंगल ये एंगल 180 ये ये जो मिला के 180 ये जो मिला के 180 ये भी एडजसेंट है

अनम्यूट कीजिए बोलिए क्योंकि किसी भी टीचर के लिए बहुत आसान होता है टू तो जस्ट केम थ्रू द क्लास एंड से मैंने खत्म कर दिया मैं वैसा टीचर नहीं हूं मैं खत्म नहीं कर पाता हूं आई गेट कॉन्फिडेंस ओनली व्हेन माय स्टूडेंट्स से कि यस समझ में आ गया तो भाई बोलिए समझ में आ गया तो बोलिए तो बेझिझक अगर नहीं समझ में आया तो वो भी भेज दे बोलिए ताकि मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर पा आपके लिए ओके। यू कैन कंटिन्यू सर ओके ऑल राइट तो ठीक है तो अभी तक हमने <coughs> प्लेन सरफेस के बारे में सीखा कर्व्स के बारे में सीखा पॉलीगॉन्स के बारे में सीखा फिर हमने पे हम लोग आए हमने सीखा, उसमें पैरलोग्राम सीखा रेक्टेंगल के बारे में आपका स्क्वायर के बारे में सीखा उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना नाउ, लास्ट थिंग दैट मीन टू लर्न हियर इज कॉल्ड राम यानी कि सम चतुर्भुज अब इसको अंग्रेजी में अगर हिंदी में सीखा जाए अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में ब्रेक कर देंगे चतुर्भुज kind of hmm? uh, मैं मैंने कोशिश कर रहा हूं मेरा ड्राइंग स्किल्स धोखा दे रहा है <coughs> okay. ये क्या होता है ना इसकी साइड सेम होती है ठीक है ये ये मतलब जैसे स्क्वायर में होता है ना चारों साइड्स का लेंथ बिल्कुल बराबर रहेगा ठीक है और लेकिन ये नाइन्टी ये नाइन्टी डिग्री नहीं होता है दिस इज नॉट नाइन्टी डिग्री ठीक है तो रॉम्बस ऐसा सोच सकते हैं तो चारों साइड बराबर हैं। काइट का ही एक दूसरा फॉर्म है बट काइट और स्क्वायर का कॉम्बिनेशन बोल सकते हो आप काइट में दो साइड ही बराबर होते हैं, इसमें तो चारों साइड बराबर हैं, लेकिन इससे स्क्रीज वर्जन तो ये 90 डिग्री नहीं है तो ये 90 डिग्री ये और ये जो है 90 डिग्री नहीं है ये और ये भी 90 डिग्री नहीं है तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो जाता है इसमें इसका खासियत क्या होता है रामबस या समचतुर्भुज जब बोलते हैं ये चार साइड्स हैं चारों एंटिटी नहीं है लेकिन अब इसका इसका मेन चीज आपको जानने का यह होता है कि व्हेन व्हेन वेन, वेन यू डायगोनली ज्वाइन द अपोजिट कॉर्नर ये जो एंगल बनता ना दिस इज 90 डिग्री ठीक है दिस इज ओनली प्रॉपर्टी दैट यू वांट टू रिमेम्बर ठीक है और ये ये भी इसके Parallel नहीं हुआ ये दिस इज नॉट अ पैरलोग्राम क्योंकि पैरलोग्राम में ये अपोजिट साइज पैरल होते हैं ये पैरल नहीं होती है टाइम यू मेक इट पैरल ये हो जाएगा ये दिस बिकम 90 डिग्री ठीक है तो कि आपका रामबस कभी पैरल हो सकता है कि नहीं रॉमस के अपोजिट साइज पैरल हो सकते है कि नहीं

ये ये मिला के आपका वन ये ये मिला के वन होगा हम्म hmm. नहीं पैरेलल नहीं होना चाहिए पैरेलल होगा तो फिर देन बिकम लाइक अ स्क्वायर ओनली ठीक है क्योंकि मतलब एग्जैक्टली पैरेलल होने से दिक्कत हो सकती है इसको नहीं नहीं होगा पैरेलल नहीं होना चाहिए आप लोग भी एक बार देखना मुझे बताना फिर ठीक है दिस इज असाइनमेंट दैट आई एम गिविंग यू गाइस कि रामबस में पता कीजिए कि कैन द अपोजिट साइड्स बी पैरेलल टू इच अदर ठीक है ये वो चेक करके मुझे बताइएगा बट द ओनली थिंग दैट दैट नो दैट दैट इज श्योर इज कि व्हेन द डायगोनल्स राइट जो उसके अपोजिट कॉर्नर्स होते हैं व्हेन यू जॉइन देम दे इंटरसेक्ट और दे दे परपेंडिकुलर इंसेक्ट एट 90 डिग्री एंड आल्सो बाइसेक्ट देम मतलब अगर आपका जो समचतुर्भुज होता है उसके ऑपोजिट कॉर्नर्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये मतलब एक सौ को बाइसे भी करते हैं पूरा पूरा ठीक है तो ये तो था हमारा थ्योरी पूरा पूरा अभी इसके रिलेटेड थोड़े प्रैक्टिकल्स पे आते हैं कुछ सम करेंगे हम लोग

the screen okay say yes or no okay sir can you repeat i wasn't here so please i didn't hear you

तो ये ये थे पॉलीगॉन्स थे लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अभी देखिए पॉलीगॉन में भी दो वेराइटी होती है कन्वेक्स और कॉन्केव कॉन्केव में आ, कुछ बच्चे जल्दी ज्वाइन करने लग गए तो इंग्लिश वाले बच्चे भी आ गए लगता है हम्म कोई बात नहीं वो लोग भी कुछ ठीक लगे इसमें क्या है तो देखिए भाई इंग्लिश वाले बच्चे जो अभी ज्वाइन कर गए हैं अभी ये मैथ का क्लास चल रहा है बट आप लोग चाहे तो शांति से सुन सकते हैं विल we'll okay? स्टार्ट है, तो we'll उत्तल और अवतल मतलब आप वो सभी पॉलीगॉन्स जिसमें कि आपका जो जो शेप है दैट इज गोइंग आउटवर्ड ओके दैट इज कॉल्ड कॉनके कॉन्वेक्स कन्वेक्स और जो, जो जिसमें एनी ऑफ योर दिस थिंग इज नो इनवर्ड योर एनी ऑफ योर क्या बोलते हैं साइड इज कमिंग इनवर्ड इज इज कॉल्ड कनकेव मतलब इसमें देखेंगे अपोजिट साइड को कहीं पे ज्वाइन करेंगे सेम वाली इसमें ये जो कितना है? दो दो चार दो छो सेवन साइडेड जो शेप दिख रहा है आपको इसमें कनकेव वाले में ऊपर पे

टायर स्क्रीन दैट बी बेटर ओके ठीक है आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है ओके okay. तो देखिए कन्केव और कन्वेक्स में क्या अंतर है पहले कन कनके पॉलीगॉन की बात करते हैं ठीक है ये सभी लाइन सेगमेंट्स है अभी कोई कोई कॉर्नर को ले लीजिए ठीक है यू देम ऐसे करके ये कॉर्नर को इस कॉर्नर से, से ज्वाइन करें अगर देखेंगे कि ये या तो साइड को कट कर रहा है या या इससे बाहर जा रहा है इस शेप से बाहर जा रहा है या मान लीजिए ये पॉइंट और ये पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे तो देखिए इससे बाहर जा रहा है तो कंकेव पॉलीगॉन्स वो होते हैं जिसमें कि आप कोई दो अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करते हो एंड लाइन गोज आउट साइड तो वो हो गया concave. या उसके बॉर्डर को टच कर रहा हो तो कनकेव तो अब कॉन्वेक्स में देखेंगे गर, हम देख रहे थे ठीक है ये, ये है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ये इसमें कभी भी आप कोई भी दो कॉर्नर को एड ज्वाइन करेंगे ठीक है जो एडजशन नहीं हो

line joining any two non-adjacent corners never touches the border or goes outside the shape wherein in case of concave it can okay or it does So uh, i'm just continuing with what i had noted down for you guys to see Uske baad regular polygon or polygons that are not regular क्या एग्जाम्पल बताया था मैंने कि पॉलीगॉन जो रेगुलर होते हैं उनके सारे साइड्स बराबर होते हैं और उनके सारे एंगल्स भी इसलिए बराबर हो जाते हैं ऐसे पॉलीगॉन जिसके सारे साइड्स बराबर नहीं हो आपस में दा, दो आर नॉट रेगुलर पॉलीगॉन्स जैसे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ इज अ रेगुलर पॉलीगॉन क्योंकि सारे साइड बराबर है लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल इज नॉट ठीक है उसी तरह से स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगॉन रेक्टेंगल इज अज नॉट अर पॉलीगॉन ठीक है बाकी देख पा रहे होके अभी जो इसके बाद जो सम्स है ना उसको हम लोग कल करते हैं टूमारो वी विल प्रैक्टिस तो आज हमने जो जो पढ़ाई किया उसको एक बार आप लोग ये वीडियो देख करके रिकेप कर लीजिएगा रिकॉल कर लीजिएगा एंड देन टुमारो विल डू हैंड्स ऑन पहले मैं सेवन uh, तक के बच्चों को सिर्फ पढ़ाता था आई नवर यूज टू नो मेक दे बट फॉर यू गर्स स्टार्टिंग एट ग्रेड आई वॉन्ट टू मेक श्योर देट वी आर डूइंग प्रैक्टिस ऑल्सो तो आप लोग जो है आज से कल के बीच में जो भी मैंने पढ़ाई कराया है उसको एक बार देख लीजिएगा uh, रिवाइज कर लीजिएगा एंड देन स्पेंड सम थर्टी मिनट ओके टू डू लुकअ दसाइज आपके बुक में जो एक्सरसाइज है ना उसको देखिए

तो अभी अभी अपना फोकस ये है कि हर एक क्लास में कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और उसको प्रैक्टिस भी करेंगे और आप लोग के पास भी एक चांस रहेगा यू कैन आस्क सी इट 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 इज नॉट क्या बोलते हिंदी बोलते ना कथा नहीं चल रही भाई आया कथा सुने गए वैसा नहीं है यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले दस वाई वॉन्ट दस वाई नॉट इन हरी टू फिनिश इट जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं बाई एंड ऑफ नवंबर विल बी एबल टू फिनिश मैथ्स इट का ठीक है उसके बाद दो महीने में साइंस भी कर लेंगे तो बिफोर योर फाइनल एग्जामी और मार्चस फॉर साइंस एंड मैथ बट विज वॉट विज इट नॉट डिस नहीं तो आप लोग आज मेरी बातें सुनोगे वीडियो देखोगे फिर बाद में वो आपका नहीं बनेगा यू माइडर फॉर गेटिंग इट ठीक है

तो ठीक है फिर निशा अभी हम लोग जो है ये हम लोग का अच्छा जी निशा ने लीव कर दिया तो दिस इज़ फाइन राइट लोग कल मिलते हैं और फिर हम लोग आप लोग भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा और करके वीडियो के रिवाइज कर लीजिएगा प्रैक्टिस थोड़ा कर लीजिएगा विल मीट टुमारो देख लेंगे अगर कुछ शंका है कोई डाउट है तो उसको क्लियर कर लिया जाएगा ठीक है Yes, sir. Okay. Chaliye then let's take a break. We'll meet after... If you are meeting in...